हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक कर चुके हैं और बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं और इस बेसिक और 3 क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट कौन सी होगी जिनका सोल्यूशन मिलेगा और इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी जिनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अभी कहा गया है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। अब प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट कौन सी होती है, कंसिस्टेंट की हमारे पास जिनका सॉल्यूशन हो, यानी कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो वो कंसिस्टेंट होगी, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यहां पे हम कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर a1 रेशियोज है a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हो। तो एक तो केस हमारे पास ये हो जाता है, तो ये कंसिस्टेंट है, यस, क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है। दूसरा केस है हमारे पास कि a1 डिवाइड बाय a2 अगर b1 बाय b2 के इक्वल है लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन है, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है। और तीसरा केस है हमारे पास कि a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज इक्वल टू b1 बाय b2 दैट इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट। तो जो हमारा केस 1 और केस 3 है वो कंसिस्टेंट है और केस 2 है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि केस 2 में कोई सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा। तो यहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। तो देखते हैं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो ये है हमारे पास x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जैसा कि हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है, या तो वो दोनों राइट साइड में हो या फिर वो कॉन्स्टेंट टर्म दोनों लेफ्ट साइड में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने अपने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो कांस्टेंट टर्म है उनको लेफ्ट साइड में रख के सॉल्व किया, तो यहां पे हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में लेके करें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम लिख देंगे कि कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विद क्या a1x + b1y = c1। देखो जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको इधर ले लिया, आपकी मर्जी है, -c1 = 0 लेते हो तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, = 0। एंड दूसरी a2x + b2y = c2, हम इसको 1 को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं और 2 को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, x का कोएफिशिएंट 1 है,
बी वन वाई का कोएफिशिएंट भी वन है और सी वन कितना है फाइव। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करते ए वन एक्स प्लस बी वन वाई माइनस सी प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो इनके साथ कंपेयर करते तो हमें पहले C1 और C2 को इधर लेके जाना पड़ता, लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ता। तो उस केस में C1 की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव हो जाती और C2 की वैल्यू माइनस टेन हो जाती, इतना फर्क है। अब यहां पे हमारे पास देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास 2, B2 की वैल्यू हमारे पास 2 और C2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब हम ए वन डिवाइड बाय ए टू निकालते हैं तो ए वन बाय ए टू कितना होगा वन बाय टू, बी वन बाय बी टू ये भी वन बाय टू, सी वन बाय सी टू ये फाइव बाय टेन यानी कि ये भी वन बाय टू, सारे के सारे इक्वल आ गए। ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो ए वन डिवाइड बाय ए टू इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू इक्वल टू सी वन डिवाइड बाय सी टू। तो यहां पे सारे के सारे इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। अब देखो अगर इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है तो बहुत सारे इसके आंसर होते हो सकते हैं, तो इसके लिए केस के लिए तो आप बेशक ग्राफिकली सोल्व भी ना करें, आप सीधा ही लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड, द सॉल्यूशंस क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलेगा हमें देखते हैं। यहां से हम अगर इक्वेशन वन ले लें, इक्वेशन वन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई की वैल्यू कितनी है फाइव माइनस एक्स, इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन थ्री वी गेट different values of y to get infinite many solutions। ये है हमारे पास, आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमें जो इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन है, देखो एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो वाई की वैल्यू फाइव, एक्स की वैल्यू जब जीरो रखी तो वाई की वैल्यू फाइव, या ऐसे लिख लो एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू फाइव आई, एक सोल्यूशन मिल गया। एक्स की वैल्यू वन रखी, एक्स की वैल्यू यहां पे हमने वन रखी तो वाई की वैल्यू फोर आ गई, एक और सोल्यूशन मिल गया। एक्स की वैल्यू टू रखी, वाई की वैल्यू थ्री आ गई, एक और सोल्यूशन मिल गया। इस तरह से सोल्यूशन मिलते रहेंगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करते रहेंगे वाई की वैल्यू मिलती रहेगी, तो नए नए सोल्यूशन हमें मिलते रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये क्लियर है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइन होगी। आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका कोई पर्टिकुलर वन सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। और इसके सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे यहां से, ये लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन थ्री।
तो इसके जो बहुत सारे सोल्यूशन है कैसे मिलेंगे हमें, एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की डिफरेंट वैल्यू आएगी, जिससे कि हमें इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन मिलेंगे। तो ये इसका इस तरह से आपको लिखना है इसके आंसर के लिए। अब उसने कहा था कि ग्राफिकली, तो ग्राफिकली जो आंसर आएगा, ग्राफिकली आंसर तो एक पर्टिकुलर आंसर यानी कि यूनिक सोल्यूशन के लिए ग्राफिकली चलते हैं हम। यहां तो हमें पता चल ही गया कि इसके बिना ग्राफ के भी हमें पता चल गया कि इसके सोल्यूशन के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा। इसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, वन सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे इसके सोल्यूशन है। फिर भी इसको अगर आप ग्राफिकली यहां तक आप यहां पे इस क्वेश्चन को आप स्टॉप कर सकते हो। फिर भी अगर आप इसका ग्राफिकल सोल्यूशन चाहते हैं तो ग्राफिकल सोल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके लिए मैं एक बार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस है, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये सही है। अब देखो वेन x इज जीरो, वेन x इज जीरो y की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि एक पॉइंट मिल गया 0.5। वेन y इज इक्वल टू जीरो x की वैल्यू 5 आ गई तो पॉइंट मिल गया 5 और 0। टू पॉइंट चाहिए था तो मिल गए। यहां पे वेन x इज जीरो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, तो पॉइंट आ गया 0 और 5। वेन y इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 5, तो पॉइंट आ गया 5 और 0। तो आप ध्यान से देखिए पॉइंट्स वही तो आ गए, क्योंकि एक्चुअल में देखो आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही लाइन बन जाएगी, और आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यही बन जाएगी। तो टू लीनियर इक्वेशन में अगर एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरी इक्वेशन बन जाए, या किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करने से दूसरी इक्वेशन बन जाए, तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन है, उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो यहां से जब आप इसको प्लॉट करोगे, यहां पे आपको कुछ भी विशेष नहीं मिलेगा। यहां एक्स, ये एक्स डैश, वाई y डैश, और ये ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। x 0, y 5, ये पॉइंट, और x 5, y 0, ये पॉइंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमारी लाइन 1 है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और इसमें भी यही है, पॉइंट तो यही है, और यही हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कोई विशेष जरूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ इन कंडीशन से ही पता चल गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो वो कैसे मिलेंगे, आप जो भी इक्वेशन है उसमें आप उसको इक्वेशन को ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें y की वैल्यू निकाल लेंगे, बस y की टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, 5 माइनस x। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई, तो इसमें यही हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 माइनस x, इन विच वी गेट डिफरेंट सोल्यूशन बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y टू गेट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। तो पार्ट वन के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कोई विशेष जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमारे पास x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये 1 और ये 2। ध्यान रखेंगे कॉन्स्टेंट पार्ट या तो दोनों ही लेफ्ट साइड में हो या दोनों ही राइट साइड में, तो दोनों ही राइट साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम देखें तो अगर इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस
विद ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी वन, बी वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन और सी वन की वैल्यू आ जाएगी एट। और अगर इनको इधर ले जाते तो प्लस सी वन लिखते तो सी वन की वैल्यू हमारे पास माइनस एट आ जाती। फिर हम उनको कंपेयर करते हैं, अगर इसको सारे को लेफ्ट साइड में लिखते तो हम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो इसके साथ कंपेयर करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। यहां से इसी तरह से ए टू दैट इज इक्वल टू थ्री, बी टू दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री और सी टू दैट इज इक्वल टू सिक्स। तो ए वन डिवाइड बाय ए टू ये वन बाय थ्री हो गया, बी वन डिवाइड बाय बी टू माइनस वन डिवाइड बाय माइनस थ्री यानी कि ये भी वन बाय थ्री हो गया, सी वन बाय सी टू ये हमारे पास हो गया एट डिवाइड बाय सिक्सटीन कैंसिल करने के बाद वन बाय टू। ए वन बाय ए टू इक्वल है बी वन बाय बी टू के, ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू क्योंकि ये वन बाय टू। फर्स्ट पेयर अगर इक्वल है सेकंड पेयर इक्वल नहीं है तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। सिंस द गिवन इक्वेशन लिख लो फ्रॉम अबव, फ्रॉम बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट given pair of linear equations have no solution, कोई solution नहीं है, no solution। तो ये क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया था कि consistent है या inconsistent है। So, which of the following pair of linear equation are consistent? So, given pair of linear equations is inconsistent. तो ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि कोई सोल्यूशन आया ही नहीं है, तो कोई सोल्यूशन नहीं आया था इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। और हमें आगे सॉल्व करना कब था, जब ये कंसिस्टेंट हो, ये तो कंसिस्टेंट आया ही नहीं, ये तो इनकंसिस्टेंट है, तो आगे सॉल्व करने की हमें इसको जरूरत नहीं। तो पार्ट सेकेंड है जो यहीं तक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है, यह है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो वन और 4x माइनस टू वाई माइनस फोर दैट इज जीरो टू। 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्ट है दोनों ही लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो हमारे पास जीरो है, तो हम इसको या तो इस इन कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट साइड में ले आए, नहीं तो फिर इसको इस सिस्टम के साथ कंपेयर कर देंगे, क्योंकि हमने भी अब सारा ही काम लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के साथ इसको कंपेयर कर देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए वन इज इक्वल टू टू, बी वन इज वन, सी वन इज माइनस, ए टू इज ए वन इज टू, बी वन इज वन, सी वन इज माइनस सिक्स, ए टू इज फोर, बी टू इज माइनस टू एंड सी टू इज माइनस फोर। ए टू फोर, बी टू माइनस टू और सी टू माइनस फोर। अब ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू टू डिवाइड बाय फोर मीन्स वन बाय टू, बी वन डिवाइड बाय बी टू यह है वन डिवाइड बाय माइनस टू मीन्स माइनस वन बाय टू,
और सी वन डिवाइड बाय सी टू, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं आए हैं, माइनस सिक्स डिवाइड बाय माइनस फोर कैंसिल करेंगे तो थ्री बाय टू। तो सिंस ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, सो द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इकट्ठा लिख दो क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन है एंड हैंस कंसिस्टेंट। तो ये इसका मतलब कंसिस्टेंट भी है। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। यहां पे 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वन लिखी हमने, और इसी तरह से 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये हमने टू लिख दिया, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जगह है हमारे पास, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यहां पे टू लिख। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं तो पॉइंट सही है, तो यहां पे लिखते हैं हम वेन एक्स इज जीरो, देखो जब एक्स जीरो होगा तो वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई माइनस सिक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, तो पॉइंट मिल गया जीरो और सिक्स। ठीक इसी तरह से वेन वाई इज जीरो, वाई जीरो होगा तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई थ्री। तो यहां पे थोड़ा ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं इस तरह से पूरा, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए भी जगह चाहिए। तो यहां पे व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई टू, यानी कि थ्री आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री, तो पॉइंट आ गया थ्री और जीरो, पहले एक्स और फिर वाई, ये हमने कर लिया लाइन वन के कोरस्पॉन्डिंग। अब लाइन टू के कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू व्हेन व्हेन एक्स इज जीरो, जब एक्स जीरो है, माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, माइनस टू वाई माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू फोर डिवाइड बाई माइनस टू, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू। यहां से हमारे पास दिस इंप्लाइज हमें पॉइंट मिल गया एक्स जीरो और वाई माइनस टू। इसी तरह से व्हेन वाई इज जीरो, जब वाई जीरो है तो 4x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहां से हमें पॉइंट मिल गया x वन है और y जीरो है। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए पॉइंट्स भी जो बहुत ज्यादा से बड़े नहीं है, y सिक्स तक है, x थ्री है, तो ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। यहां से ये हमारे पास x, x डैश, y, y डैश और ये o, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू, स्केल आप ग्राफ पेपर से ही करेंगे इसको, माइनस सिक्स यहां पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस, तो यहां से अगर हम इसको प्लॉट करें, व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज सिक्स, एक्स इज जीरो वाई इज सिक्स, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक्स थ्री है तो वाई जीरो है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब इसको हम मिला देते हैं, यहां से फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए बोर्ड यूज किया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये लाइन है हमारे पास, यहां पे लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हमने ये बनाया। ठीक किसी तरह से सेकंड की बात करें अगर हम, तो सेकंड में हमारे पास है
एक्स जीरो है तो वाई माइनस टू है, तो ये पॉइंट हो जाता है एक्स जीरो तो वाई माइनस टू है। और सेकंड है हमारे पास एक्स वन है तो वाई जीरो है, एक्स वन तो वाई जीरो, ये पॉइंट हो जाता है हमारे पास। तो हम इसको मिला लेते हैं, तो इसको जब हम मिलाएंगे और इसको हम आगे तक ले जाते हैं और इसको हम लिख देते हैं, ये है फोर एक्स माइनस टू आई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट आया है, ये यहां पे जो पॉइंट मिला है, क्योंकि हमारा स्केल थोड़ा ठीक नहीं है तो इसमें थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इस पॉइंट के लिए हमें चेक कर रहे हैं, इससे हम जब एक्स एक्सिस पे आएंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी टू। ठीक इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे, यहां से जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिलेगी टू। ये देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको कि ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि देखो हमारा ये स्पेस कम है, ये स्पेस ज्यादा है, तो आप स्केल के साथ करेंगे तो एग्जैक्ट ही आएगा ना वो, तो यहां से वाई की वैल्यू टू आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। आप इसको चेक जरूर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन वन है टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारा सॉल्यूशन आया है एक्स टू और वाई टू। अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो एक्स की जगह पे हम टू पुट कर देते हैं, टू की टू के साथ करेंगे फोर, वाई की जगह पे टू पुट कर देते हैं माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सिक्स माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हमारा जो सोल्यूशन है उसकी हमने चेक कर लिया, हमारा जो आंसर है वो सही है। तो अब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि जो आपने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड, आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ। पार्ट फोर में है हमारे पास 2x माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये वन है, और 4x माइनस फोर वाई माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो, ये टू है। हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विद, क्योंकि सारा काम लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंट और लेफ्ट साइड में, तो इसमें लिख देते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास ए वन की वैल्यू आ गई टू, बी वन माइनस टू और सी वन ये भी माइनस टू, ए वन बी वन और सी वन, ए टू इज इक्वल टू फोर, बी टू इज इक्वल टू माइनस फोर और सी टू इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू टू डिवाइड बाय फोर, यहां से आ जाता है वन बाय टू, बी वन डिवाइड बाय बी टू यहां से माइनस टू डिवाइड बाय माइनस फोर, तो ये भी आ जाता है वन बाय टू, और सी वन डिवाइड बाय सी टू यह आता है माइनस टू डिवाइड बाय माइनस फाइव, तो ये आ गया टू डिवाइड बाय फाइव। अब आप देखेंगे कि a1 वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज नॉट इक्वल टू सी वन डिवाइड बाय सी टू, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो क्या होगा केस, नो सॉल्यूशन का। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन एंड सो इनकंसिस्टेंट, अगर इसका सोल्यूशन ही नहीं है तो फिर ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आगे हमें ग्राफिकली जाने की जरूरत नहीं है, तो सोल्यूशन तो तभी फाइंड करना था जब वो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर वो कंसिस्टेंट है, तो यहां पर इनकंसिस्टेंट है तो यहीं पर ये क्वेश्चन रुक जाता है।
तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक प्लस फर्स्ट थ्री क्वेश्चन, उसके सारे के रिवीजन भी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।